हवा लेकिन इधर बहुत मस्त चलता है, कितना भी अगर गर्मी रहे, गर्मी के टाइम में इतना हवा हमेशा चलता रहता है, जितना भी चल रहा है इतना हवा हमेशा चलता रहता है। जितना दिन गर्मी पड़ता है इधर उतना दिन सब दिन हवा चलता रहता है। अभी भी देखिए हवा चल रहा है, इतना धूप होने के कारण भी देखिए हवा चल रहा है। और उतना जैसे अपना इधर बिहार यूपी में इस टाइम लू चलता है बहुत, लेकिन इधर लू नहीं चलता है, इधर हवा चलेगा ठंडा ठंडा और पेड़ के नीचे उतना गर्मी एहसास नहीं होता। तो हाय दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? आशा करते हैं आप लोग भी बहुत अच्छे होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे। वेलकम माय यूट्यूब चैनल दोस्तों, एंड गुड आफ्टरनून सभी को। और अभी देखिए लंच का टाइम हो रहा है और लंच में अभी रेस्ट कर रहे हैं। लंच तो हो गया है और लंच करके अभी रेस्ट कर रहे हैं। 12 से 2 जो रेस्ट रहता है तो वही रेस्ट के दौरान अभी पेड़ के नीचे बैठे हुए हैं। और बाकी मेरा गैंग का आदमी सब एक एक पेड़ खेत में है, जहाँ जहाँ बैठने का सुविधा सबको मिल रहा है वहाँ वहाँ पे सब बैठा हुआ है। तो चलिए आप सबको दिखाते हैं और वीडियो में लास्ट तक बने रहिए। और चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ठीक है? तो चलिए दिखाते हैं मेरा गैंग वाला आदमी किधर किधर बैठा हुआ है। देखिए आगे देखिए पेड़ है नीम का, वहाँ पे सब बैठा हुआ है। उधर दिखाते हैं, देखिए वहाँ पे अभी लगभग 1 बज रहा है और 12 से 2 तक रेस्ट रहता है। अब 2 बजेगा तो फिर काम अपना स्टार्ट होगा। अभी तो सब बैठा हुआ है और बाकी देखिए इधर पेड़ के नीचे है। उधर ट्रैक के बाजू में जितना भी कहीं कहीं पेड़ रहता है वहीं पे हम सब बैठ के रेस्ट करते हैं। और हवा भी देखिए कितना अच्छा चल रहा है। और इधर देखिए हमारे कीमैन साहब जा रहे हैं लाइन देखते हुए। उधर इनका लंच हो गया है, लंच ख़त्म हो गया है तो अभी लाइन देख रहे हैं। देखिए यही लाइन है, अब देखते हुए आगे गेट है, गेट के पास जा रहे हैं फिर उधर से रिटर्न आएंगे। बहुत सारा लाइन है इधर, देखिए आगे एक मालगाड़ी भी लगा हुआ है, उससे पहले फिर एक दो लाइन है, फिर यहाँ पर 2 लाइन है। जो मेरा सेक्शन है, सेक्शन में बहुत सारा लाइन है और बहुत काम भी रहता है। तो आज इधर काम था तो आए हैं। तो दोस्तों बहुत सारे भाई का कमेंट रहता है, सवाल रहता है कि ट्रैकमैन का ड्यूटी कब से कब रहता है और लंच कब से कब मिलता है, उस दौरान पढ़ाई लिखाई कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं। तो आप सब देख सकते हैं दोस्तों, अभी देखिए 12 से 2 लंच का टाइम है। तो काम करके सब देखिए रेस्ट कर रहे हैं, कोई कोई रेस्ट करता है और कोई कोई कुछ मोबाइल हो गया चाहे कुछ हो गया वो सब देखता है, मोबाइल में देखता है, वीडियो देखता है, चाहे पढ़ाई करता है। मोबाइल में भी यूट्यूब पर बहुत सारा चैनल है एजुकेशन का, तो उसमें पढ़ाई भी करता है और ये सब जो डिपार्टमेंटल एग्ज़ाम होता है वो सब का भी तैयारी सब करता रहता है। तो सबका सोच विचार अलग है, कोई पढ़ाई करता है, कोई गाना सुनता है, कोई कुछ करता है। तो बहुत सारे नए भाई जो ट्रैकमैन पोस्ट पर अभी कुछ ज्वाइनिंग कर गए हैं और कुछ करने वाले हैं, तो इन सब का बहुत सारा कमेंट आ रहा था कि जब हम ड्यूटी के लिए जाएंगे, लंच का टाइम मिलेगा तो उस टाइम हम पढ़ाई कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं। तो मैं आप सबको पूरा लाइव दिखाया दोस्तों कि देखिए गैंग वाला कहाँ पे बैठ के रेस्ट करता है, कहाँ पे खाना खाता है, पूरा मैं लाइव आप सबको दिखाया ही। मैं यहाँ पे अकेले बैठा हुआ हूँ क्योंकि यहाँ भी एक पेड़ है और यहाँ हवा बहुत अच्छा चल रहा है। और बाकी 3-4 आदमी उधर है, 3-4 आदमी उधर है, 3-4 आदमी उधर है, यहाँ पे खेत में 3-4 पेड़ है, तो सब पेड़ पर 2-2, 3-3 आदमी सब पेड़ के पास बैठा हुआ है। कोई कोई मोबाइल देख रहा है, कोई कोई पढ़ाई कर रहा है,
तो देखिए अगर ज्वाइनिंग करते हैं ट्रैकमैन पोस्ट पर तो आप सबको भी इसी तरह से ड्यूटी मिलेगा और ऐसा ही स्थिति रहेगा। कहीं कहीं जैसे ट्रैक पे आप ड्यूटी करते हैं मेन लाइन में ड्यूटी करिएगा तो फिर देखिए इसी तरह से आपको पेड़ के पास चाहे ट्रैक के बाजू अगर छांव कहीं रहता है तो वहाँ पे खाना खा के रेस्ट करना पड़ेगा। और हम सब का दोस्तों जितने भी ट्रैक मैन पोस्ट पे हैं ग्रुप डी के स्टाफ तो उनका लंच का टाइम रहता है 12 से 2 लंच का टाइम रहता है। और हम सब का ड्यूटी सुबह 7 बजे स्टार्ट हो जाता है। सुबह 7 बजे स्टार्ट होते ही अपना पेटी पे जाते हैं जहाँ पे मुकदम हाजिरी उजरी भरता है वहाँ पे जाते हैं। फिर हाजिरी हो जाता है उसके बाद काम मिलता है जेई के तरफ से काम मिलता है। तो क्या काम रहता है कहाँ पे काम रहता है कैसा काम रहता है ये सब बताया जाता है और वो हिसाब से सामान लाना पड़ता है। जैसा सामान रहता है जैसे पैकिंग का सामान हो गया तो पंजा और पारी जिसको सब्बल बोलते हैं ये लाना पड़ता है। अगर कहीं रेल में फिटिंग करने का रहता है चाहे लाइनर हो गया चाहे चाबी हो गया ये सब फिटिंग करने का रहता है तो घन जिसको हथौड़ा बोलते हैं घन हो गया तान हो गया जिसको बोल्ट टाइट करना चाहे ढीला करना वो सब लाना पड़ता है। जैसा काम रहता है वैसा सामान लाना पड़ता है। अभी देखिए पैकिंग का काम है आज तो पारी पंजा और एक जैक लाना पड़ा जो जैक पे 2 आदमी रहता है तो वो 2 आदमी जैक लेके आया है और बाकी आदमी पारी पंजा टोकरी। अगर कहीं बीच में अथी गिट्टी कम रहता है तो वहाँ टोकरी में भर के फिर गिट्टी डालना पड़ता है। तो यही सब काम रहता है। जैसा जैसा काम रहता है वैसा सामान लाना पड़ता है। और जैसे हवारी का काम हो गया हम सब का हवारी का भी काम रहता है। ट्रैक के साइड में जो गिट्टी रहता है उसको सरियाना पड़ता है ऊपर चढ़ाना पड़ता है तो उसके लिए पचंगड़ा जिसको बोलते हैं आप सब नहीं समझिएगा और वो सामान अभी है भी नहीं यहाँ पे। अगर रहता तो मैं आप सबको दिखा देता। पचंगड़ा जैसे गिट्टी को ऊपर चढ़ाते हैं पकड़ के 2 आदमी घिसता है और 1 आदमी ऊपर से नीचे से ठेलता है और उसमें बहुत लंबा डंडा लगा हुआ रहता है। पंजा जैसा ही रहता है लेकिन मोटा रहता है और 1 डंडा लगा हुआ रहता है और 2 आदमी 3 आदमी घिसता है और 1 आदमी नीचे से ठेलता है उसको पचंगड़ा बोलते हैं। तो जैसा जैसा काम रहता है वैसा वो हिसाब से सामान लाना पड़ता है। तो अभी लंच का टाइम है तो देखिए लंच के टाइम में अभी रेस्ट कर रहे हैं तो सोचे कि अपने भाई लोग को कुछ बता दें और कुछ दिन के बाद ज्वाइनिंग भी करेंगे और कर रहे हैं। ऐसे सोलापुर डिवीज़न में 2-3 लिस्ट बन गया है ज्वाइनिंग का जो भी ट्रैकमैन पोस्ट के लिए आएंगे उनका लिस्ट जारी हो गया। शुरू में 162 लड़का का लिस्ट जारी हुआ था ज्वाइनिंग के लिए फिर उसके बाद फिर लिस्ट बना है 200 कुछ लड़का का लिस्ट बना है। तो धीरे धीरे सभी बोर्ड चाहे डिवीज़न सभी ज्वाइनिंग करवा रहा है। तो यहाँ भी अभी लड़का तो यहाँ अभी कोई लड़का आया नहीं है नया लड़का। जब आएगा तो मैं आप सबको बताऊंगा और उनसे भी मिलवाऊंगा जो लड़का आएगा मेरा स्टेशन पे तो उनसे भी मिलवाऊंगा और पूछूंगा कि आपको कैसा काम लग रहा है कितना हार्ड वर्क है और बताऊंगा भी। तो दोस्तों एक बात मैं आप सबसे बताना चाहता हूं कि जो भी भाई ट्रैकमैन पोस्ट पर आएंगे ज्वाइनिंग करेंगे तो उनसे एक चीज़ रिक्वेस्ट करता हूं कि एयरफोन का इस्तेमाल नहीं करिएगा ट्रैक पे क्योंकि ऐसा दुर्घटना हमेशा होता रहता है। और जो भी एयरफोन का यूज करता है ट्रैक पे चलते चलते चाहे काम करते करते तो उनको बहुत नुकसान होता है। और ये सब न्यूज़ आप सबको मिलता ही रहता होगा कि ट्रैकमैन का रन ओवर तो ट्रैकमैन का रन ओवर हो गया कहीं पे कुछ हो गया कहीं पे कुछ हो गया तो यही सब के कारण होता रहता है। तो सभी भाई से रिक्वेस्ट है कि ट्रैक पे अगर आप काम करते हैं तो मोबाइल का ज़्यादा इस्तेमाल ना करिए और ना ही एयरफोन का इस्तेमाल करिए। अभी देखिए रेस्ट का टाइम है तो रेस्ट के टाइम में आप मोबाइल भी देख सकते हैं कुछ भी कर सकते हैं। अभी आपका टाइम है जो 12 से 2
रेस्ट मिलता है वो आपका टाइम है। ये 2 घंटा में आप यहाँ पे कुछ भी कर सकते हैं, मोबाइल देख सकते हैं, पढ़ाई कर सकते हैं, गाना सुन सकते हैं। लेकिन जब काम करते हैं, जब ट्रैक पे काम करते हैं, तो ये सब चीज़ का इस्तेमाल ना करिए, ना ही गाना सुनिए, ना ही एयरफोन का इस्तेमाल करिए, ना ही मोबाइल देखिए ट्रैक पे बैठ के। जैसे अभी गाड़ी उड़ी आ रहा है तो ट्रैक पे बैठ के मोबाइल देखने लगते हैं, तो ऐसा नहीं करिएगा। अगर मोबाइल देखना है तो ट्रैक के बाजू में बैठ के मोबाइल देख सकते हैं, नहीं काम हो रहा है तब। और ट्रैक पे बैठ के मोबाइल ये सब मोबाइल का यूज करना ही नहीं है और ना ही एयरफोन का यूज करना है। तो सभी भाई से रिक्वेस्ट है, और जो भाई ट्रैकमैन पोस्ट पर ज्वाइनिंग करेंगे तो प्लीज़ ये सब का यूज नहीं करिएगा, ठीक। तो दोस्तों, आज के वीडियो में यही सब मैं आप सबको बताना चाहता था। बहुत सारे भाई कमेंट करते रहते हैं, सवाल करते रहते हैं कि कैसा ड्यूटी रहता है, कहाँ पे रेस्ट करते हैं, और पढ़ाई करने का टाइम मिलता है कि नहीं मिलता है। तो देखिए, यही पढ़ाई करने का टाइम है। अभी जब 12 से 2 रेस्ट कर रहे हैं तो इसमें आप कुछ भी कर सकते हैं, मोबाइल देख सकते हैं, गाना सुन सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं, ये आपका टाइम है, ठीक है। तो ये 12 से 2 आपका टाइम है। फिर जब ड्यूटी स्टार्ट होगा, फिर जब 2 से 5 बजे तक जब ड्यूटी स्टार्ट होता है, अभी तो रेस्ट चल रहा है 2 बजे तक, फिर जब 2 बजे के बाद फिर ड्यूटी स्टार्ट होगा अपना, तो उतना काम नहीं रहता है। जैसे अभी पैकिंग हो रहा था तो पैकिंग लगभग हो गया है, अब कुछ और पैकिंग करना है। पैकिंग करने के बाद फिर गाला उला मोचना है, और उसके बाद फिर 5 बजेगा तो फिर छुट्टी हो जाएगा। तो जो मेन काम रहता है, मेन काम सुबह में रहता है, 12 बजे तक मेन काम रहता है, जो भी करने का रहता है 12 बजे तक करने का रहता है। और अभी देखिए धूप बहुत तेज स्टार्ट हो गया है, बहुत तेज का धूप है अभी तो। अभी ट्रैक को छेड़छाड़ नहीं कर सकते हैं उतना, अगर छेड़छाड़ करेंगे तो डर रहता है बकलिंग होने का, चाहे ट्रैक इधर से उधर हो जाएगा तो उसका डर रहता है। तो धूप के टाइम में उतना ट्रैक को छेड़छाड़ नहीं कर सकते हैं। तो जो भी मेन काम रहता है वो 12 बजे तक रहता है दोस्तों, और जब 2 बजे के बाद जो काम रहता है वो उतना हार्ड नहीं रहता है, बस मूछना रहता है, हवारी करना रहता है, ये सब काम रहता है। अभी भी देखिए दोस्तों, मेरा जो कमर में दर्द था, इससे पहले वाले वीडियो में मैं आप सबको बताया था कि गेट पे काम करने के लिए गए तो लचक हो गया, तो कल दवा लेके आए तो दवा खाए हैं, लेकिन आराम हुआ है, लेकिन उतना आराम नहीं हुआ, अभी भी दर्द है। इसीलिए देखिए ऐसे लेट के वीडियो बना रहे हैं और आप सबको बता रहे हैं। तो ऐसा कभी कभी होता रहता है, हर किसी के साथ भी हो सकता है, ये गारंटी नहीं है कि खाली मेरे को हुआ, सभी को होता है। और वजन चाहे कुछ भी सामान ज़्यादा उठाने चाहे इधर उधर करने पे कभी कभी हो जाता है। तो ठीक है दोस्तों, आज के वीडियो में इतना ही। आज का वीडियो आप सबको कैसा लगा दोस्तों, प्लीज़ कमेंट में लिख के ज़रूर बताइएगा। और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ठीक है। तो आज के वीडियो में आप सबको बताया दोस्तों कि ट्रैकमैन का रेस्ट कैसा रहता है, कब से कब ड्यूटी स्टार्ट होता है, ये सब सवाल बहुत सारा आ रहा था। तो सोचा कि चलो भाई अभी फ्री टाइम है तो अपने भाई लोग को कुछ बता देते हैं इस वीडियो के माध्यम से। तो ठीक है, आज का वीडियो समाप्त करते हैं यहीं पर, फिर नेक्स्ट वीडियो में आप सबसे मिलेंगे। जब तक के लिए बाय दोस्तों।